हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो फ्रेंड, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर जो एकेटिव के स्टूडेंट हैं उनकी एक सब्जेक्ट है फाउंडेशन डिज़ाइन, उसकी यूनिट वन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम आपको यूनिट वन जो फाउंडेशन डिज़ाइन की है उसको पूरा कंप्लीट करवा सकें, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अनुरोध, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। और जो नोट्स है फ्रेंड्स फाउंडेशन डिज़ाइन का, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो फाउंडेशन डिज़ाइन सब्जेक्ट है इसकी हम आपकी पाँचवीं यूनिट अपलोड करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आप, मैं एक फाउंडेशन डिज़ाइन की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पर, उसको जा करके आप देख लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। तो पहली यूनिट आपकी लगभग पूरी थ्योरी ही है, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहला टॉपिक सॉयल इंट्रोडक्शन टू सॉयल एक्सप्लोरेशन, मेथड ऑफ बोरिंग एंड ड्रिलिंग, फिर सॉयल सैम्पलिंग एंड सैम्पलर के टाइप्स, फिर इन सिचू टेस्ट कौन कौन से हैं, SPT यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, फिर जियोफिजिकल मेथड जैसे आपकी सॉयल रेजिस्टिविटी मेथड होता है, सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड होता है, इन सब टेस्टिंग के बारे में देखना है। तो समझ लीजिए फ्रेंड, एक तरीके से ये यूनिट आपको पूरा 20 नंबर, जो भी आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर होता होगा तो ये आपको 20 नंबर पूरा मुफ्त में दे जाएगी, 20-24 जितने का भी आता होगा यूनिट वन से आपका, ठीक है। तो आपका पूरा कंप्लीट मुफ्त में नंबर दे जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में थ्योरी आपको बताऊंगा, तो उसको ध्यान से आप देखना और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नोट्स को फॉलो करना, आप इससे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाउंडेशन डिज़ाइन क्या होती है। देखो फ्रेंड, फाउंडेशन डिज़ाइन क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जो डिटरमाइन करता है क्या साइज फाउंडेशन की कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए फाउंडेशन की, किस टाइप की फाउंडेशन हमें रिक्वायर है बिल्डिंग के लिए या स्ट्रक्चर के लिए, वो सब हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन बताता है, ठीक है। तो देखो, फाउंडेशन डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ टाइप यानी कि कौन सी साइलो फाउंडेशन होगी कि डीप फाउंडेशन होगी, साइज उसकी कितनी देनी है आपकी फाउंडेशन की, डेप्थ फाउंडेशन की कितनी रखनी है, ठीक है। टू रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर हो गया उसको हमें कैसे सपोर्ट देना है, वो हमारी फाउंडेशन डिज़ाइन, उसमें किस प्रकार की फाउंडेशन देनी है फाउंडेशन डिज़ाइन ही हमें बताती है, ठीक है फ्रेंड। देखो एक आगे देखो तो क्या है, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड द इनपुट ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हु विल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि जो फाउंडेशन डिज़ाइन है क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं क्या क्या कंसिडर करते हैं फाउंडेशन को डिज़ाइन करते समय, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखो, द टाइप ऑफ सॉयल ऑन द साइट यानी कि जिस सॉयल पर आपका बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है यानी बन रहा है, उस सॉयल की कंडीशन क्या है, ठीक है फ्रेंड। सॉयल आपकी लूज है या हार्ड है या स्टिप सॉयल कैसी है, उस मतलब कि ये आपकी सॉयल के टाइप पे भी डिपेंड करता है, तभी हम इस हिसाब से अपनी फाउंडेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला है देखो, द वेट ऑफ बिल्डिंग यानी कि सबसे बड़ी बड़ी बात है कि वेट स्ट्रक्चर का, आपको वेट कितना रखना है, स्ट्रक्चर आपका एक मंजिला होगा, दो मंजिला होगा, तीन मंजिला होगा या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर थर्ड है आपका फ्रेंड, देखो द सिस्मिक एक्टिविटी इन द एरिया यानी कि जो आपका कितने मतलब कि कितने मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक आपका उस एरिया में आ सकता है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो फाउंडेशन डिज़ाइन में इसको भी हम कंसिडर करके चलते हैं। अगर हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो फ्रेंड वहाँ पे हम फाउंडेशन जो अपनी है मतलब पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है द फ्रस्ट लाइन, द फ्रस्ट लाइन मतलब कि कितनी ठंडी उस एरिया में पड़ती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो स्नो लोड जो होता है यानी बर्फ की वजह से जो बिल्डिंग पे लोड आते हैं उनको भी हम कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है देखो द बिल्डिंग बजट, बिल्डिंग बजट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड, क्योंकि बजट के बिना आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो बजट आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से हम अपनी फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब देख लो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे बेसिकली दो तरीके के फाउंडेशन होते हैं, एक हमारा सैलो फाउंडेशन होता है, दूसरा हमारा डीप फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो देखो सैलो फाउंडेशन का होता है, सैलो फाउंडेशन आर यूज फॉर स्मॉलर बिल्डिंग ऑन स्टेबल सॉइल, दे आर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट और मेसनरी एंड आर बरीड बिलो द फ्रेश लाइन, ठीक है। यानी कि जो आपका सैलो फाउंडेशन होता है स्मॉल बिल्डिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल आपकी स्टेबल होती है, ठीक है फ्रेंड। स्टेबल मतलब कि लूज सॉइल नहीं होती है वहाँ पे, मतलब कि ऐसा कि अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर सॉइल के मतलब कि बिल्डिंग के वेट को पूरा कैरी कर सकता है, ठीक है, आई बात समझ में।
और दूसरा है आपका फ्रेंड डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन आपकी जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या अनस्टेबल सॉयल होती है वहाँ पे हमारा यूज होता है, जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे भी हमारा डीप फाउंडेशन यूज होता है। तो डीप फाउंडेशन हमारा कॉन्क्रीट के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे किस पे बनते हैं, हार्ड स्ट्रेटा जो होता है। हार्ड स्ट्रेटा जैसे आप ज़मीन खुदाई करते जाओगे नीचे जो हार्ड स्ट्रेटा आ जाते हैं, हार्ड लेयर आ जाती है ग्राउंड की, वहाँ पे हमारा ये क्या बोलते हैं उसके ऊपर से हमारा डीप फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे आपका पूरा ग्राउंड सरफेस है, मतलब ग्राउंड की लेयर्स हैं, इसमें देखो हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे है, तो ये आपकी पाइलिंग हुई है। पाइल आप एक ही आपकी एक डीप फाउंडेशन का टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें देखो पाइल यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा जहाँ पे है वहाँ से हमारी ये फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुई है। यहाँ पे ऊपर एक पाइल कैप दिया जाता है, इसके ऊपर से आपका जो सुपर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखो जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर का पार्ट रहता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ग्राउंड सरफेस के नीचे का पार्ट रहता है उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पाइल कैप दिया गया, फिर उसके बाद आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो आपकी सैलो फाउंडेशन होती है, सैलो फाउंडेशन कैसी होती है देख लो फ्रेंड। सैलो फाउंडेशन की डेप्थ बहुत कम होती है, ठीक है, और स्टेबल सॉइल पे हमारी सैलो फाउंडेशन बनाई जाती है। आप एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, ठीक है, इसकी डेप्थ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। इसकी क्या होती है फ्रेंड, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है पाइल फाउंडेशन की, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सब सरफेस एक्सप्लोरेशन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सब सरफेस एक्सप्लोरेशन कुछ नहीं होता फ्रेंड, ग्राउंड सरफेस की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ग्राउंड सरफेस की जो लेयर्स होती है यानी कहाँ पे हार्ड सॉयल है, कहाँ पे लूज सॉयल है, कहाँ पे हमारा हार्ड स्ट्रेटा है, इन सब चीज़ों को पता लगाने का एक प्रोसेस है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो आइए इसको हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, द फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडी कैरिड आउट फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉयल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल स्टर्म एट सॉयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सॉयल एक्सप्लोरेशन क्या होता है फ्रेंड, जो फील्ड स्टडी और लेबोरेटरी स्टडी होती है, जो मतलब कि किसी भी सॉइल की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए आपकी किसके अंडर आते हैं, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब कि एक्सप्लोर करना यानी पता लगाना, ठीक है, ग्राउंड की कंडीशंस है, जो भी ग्राउंड सॉइल की कंडीशंस है, ठीक है फ्रेंड, उसकी स्ट्रेंथ वो कितना स्ट्रेंथ कैरी कर सकती है, वहाँ पे लेयर्स के बारे में पता लगाना, हर एक चीज़ हमारा सब सरफेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इसके थ्रू हम जो लेबोरेटरी स्टडी या फील्ड स्टडी होती है सॉइल की वो भी हम अपना कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, द एलिमेंट ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन डिपेंड मोस्टली ऑन द इम्पॉर्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट बट जनरली शुड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। यानी कि आगे देखते हैं, तो देखो फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड सच एज सैलो और डीप फाउंडेशन, यानी कि देखो आपका जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है इसमें भी हेल्प करता है कि हमारा फाउंडेशन वहाँ पे किस तरीके का फाउंडेशन हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, मैं आपको सब बताऊँगा, जियो फिजिकल मेथड जो भी सब क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी मेथड होता है, रिफ्लेक्शन मेथड होता है, एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सब सरफेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी फाउंडेशन कौन सी बनेगी, सैलो फाउंडेशन बनेगी या डीप फाउंडेशन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू द स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब सॉइल टू अलाउ द डिजाइन कंसल्टेंट टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ ऑन द सेफ बियरिंग प्रेशर और पाइल लोड कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि इसकी हेल्प से हम ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो सॉइल की कितनी स्ट्रेंथ है वो सब हम पता लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डिजाइन मतलब कंसल्टेंट रहता है वो हमें ये पता लगा सकता है कि मतलब कि कितना लोड हमारी बिल्डिंग सॉइल कैरी कर सकती है सेफली, ठीक है फ्रेंड, कितना हमारा प्रेशर को कैरी कर सकती है, इसके थ्रू हम ये सब भी चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो नेक्स्ट है, देखो सॉइल एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व ब्रॉडली द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि देखो सॉइल एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखो प्लानिंग ऑफ ए प्रोग्राम फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इन सब हमको मतलब फॉलो करना पड़ता है, इस हिसाब से हम अपना जो एक्सप्लोरेशन है पूरा सॉइल का उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो कलेक्शन ऑफ डिस्टर्ब एंड सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है सॉइल एक्सप्लोरेशन की। नेक्स्ट है, देखो कलेक्शन ऑफ डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल और रॉक सैंपल फ्रॉम द होल्स ड्रिल्ड इन द फील्ड, द नंबर एंड डेप्थ ऑफ होल्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले आप प्लानिंग कर लिए
सॉयल एक्सप्लोरेशन की। उसके बाद क्या होता है, डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब सैंपल आपको सॉयल का कलेक्ट करना है। ये आपका फ्रेंड सॉयल एक्सप्लोरेशन दोनों के केस में हो सकता है, रॉक के केस में भी हो सकता है, सॉयल के भी केस में हो सकता है, ठीक है। तो आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो आपका किसके थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू, जो ग्राउंड में आप ड्रिलिंग करोगे वहाँ से ही तो सैंपल कलेक्ट करोगे। आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे सैंपलिंग करते हैं, कैसे कैसे सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए थर्ड में क्या, कंडक्टिंग ऑल नेसेसरी इन सिचू टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉयल और रॉक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखो जब आप सैंपल कलेक्ट कर लिए तो अब इसमें आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, फील्ड टेस्ट परफॉर्म करोगे, ठीक है फ्रेंड। तो जिससे क्या होता है कि आप जो स्ट्रेंथ है सॉयल की और जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी करेक्टरिस्टिक है सॉयल की या रॉक की, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो या डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर कंडीशन एंड कलेक्शन ऑफ वाटर सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस, ठीक है। सॉयल एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम यही पता लगा सकते हैं, ग्राउंड वाटर की कंडीशन को पता लगा सकते हैं, वाटर सैंपल को हम कलेक्ट कर लेंगे और उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इसमें कितना उसका पीएच है, क्या है फ्रेंड, हर एक चीज़ की जानकारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन है, फिर इसमें हम सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, सिस्मिक रेजिस्टिविटी मेथड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, इन सब टेस्ट को भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखो कंडक्टिंग ऑल नेसेसरी टेस्ट ऑन द सैंपल ऑफ सॉयल बेडरॉक एंड वाटर कलेक्टेड। अब इस पर हम क्या करेंगे, फील्ड टेस्ट जो है हमारे सारे या लेबोरेटरी टेस्ट हैं उन सब सारे सैंपल्स पर जो हम कलेक्ट किए हैं, डिस्टर्ब सैंपल या डिस्टर्ब सैंपल आपका रॉक या सॉयल का, उस पर हम टेस्ट को परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग। अब देखो इसके थ्रू हम आपका जो पूरा प्रोसेस है सॉयल एक्सप्लोरेशन का, यानी कि जब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया शुरू में कि इससे आप लेयर्स को डिटरमाइन कर सकते हो, जब लेयर्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो उसकी एक आप ड्राइंग भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड। अब जो हम डाटा कलेक्ट किए हैं उन सबकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, एक रिपोर्ट प्रिपरेशन, यानी रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी। अब वैसे उनमें तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया सॉयल एक्सप्लोरेशन और फाउंडेशन डिजाइन का बेसिक, इन दो टॉपिक्स को मैंने बताया, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं जो हमारे मेथड ऑफ सॉयल एक्सप्लोरेशन है उसके बारे में, ठीक। तो आपका सब सॉयल एक्सप्लोरेशन दो स्टेज में कंप्लीट होता है फ्रेंड। पहला एक आपका प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या होता है कि इसमें हमें केवल जियोलॉजिकल, जो साइट की जियोलॉजिकल स्टडी है उसको करनी पड़ती है और जो साइट का थोड़ा बहुत डिटेल इसमें निकालना पड़ता है। उसके बाद दूसरा आपका डिटेल स्टेज होता है, डिटेल स्टेज जो आपका प्रिलिमिनरी स्टेज के द्वारा फॉलो किया जा, मतलब कि डिटेल स्टेज में हम प्रिलिमिनरी स्टेज को ही फॉलो करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो साइट का नेचर है और उसमें जो सब सॉइल्स की सब सॉइल लेयर्स हैं उसकी थिकनेस, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और आई बस समझ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है सॉइल की उन सबको भी हम कंसिडर करते हैं, जो ग्राउंड वाटर का पोजिशन क्या है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और देखो बोरिंग एंड डिटेल सैंपलिंग आर डन टू अक्वायर अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी डिटेल स्टेज होता है उसमें हम बोरिंग और डिटेल पूरा प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग लेते हैं जिससे कि हम सब सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर सकें, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि मतलब बोरिंग क्या होती है, बोरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर समझ में, तो देखो मेकिंग एंड एडवांसिंग ऑफ बोर होल इज नोन एज बोरिंग, यानी कि बोर होल, एक बोर होल प्रिपेयर करना ही आपका एक प्रोसेस क्या कहलाता है, बोरिंग कहलाता है। किसके थ्रू, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंपल, यानी कि सैंपल को कलेक्ट करने का ये आपका पहला स्टेप होता है जो हमारी बोरिंग होती है, ठीक है फ्रेंड। अभी बात समझ में, अब देखो कौन कौन सी बोरिंग के प्रोसेस होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले वीडियो में आपको मेथड ऑफ बोरिंग जो है इसको बताएंगे, उसके बाद आपका मैं आपको जो बोरिंग के प्रोसेस क्या क्या हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे बोरिंग की जाती है, फिर सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, सॉयल सैंपलर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फील्ड टेस्ट क्या क्या है आपका, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो यूनिट वन की, टोटल मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको यूनिट वन पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे ही हम आगे की जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करवा देंगे। सारी वीडियोज आपको एक प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिलेंगी एक सीरियल वाइज, वहाँ से जा करके आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो का नोट्स फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप
हमारे नोट्स को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।